गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, मोदी केयर की इस सपने भरी दुनिया में मैं सिमी मल्होत्रा आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। आइए फ्रेंड्स, ऐसी ही दुनिया में चलते हैं जहाँ पर हम सब एक दूसरे के जो सपने हैं उसे पूरे करने में बहुत मदद करते हैं। और इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं इन्वाइट करना चाहती हूँ जिन्हें हम सफलता की गुरु मानते हैं और बाकी इतने लाखों लोगों की जिंदगी में उनके सपने पूरे करने में ये बहुत मदद करते हैं। तो आइए इनवाइट करते हैं जो इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे सक्सेसफुल पर्सन है, डॉक्टर सुरेखा मैम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस नाइस इंट्रोडक्शन। इस पहचान तक बनाने के लिए, पहुंचने के लिए नो डाउट भगवान का और सबका बहुत सारा आशीर्वाद है, पर जब आपके मुंह से या किसी के भी मुंह से सुनती हूँ मोदी केयर से और प्यार हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं सक्सेस कार्निवल में, मोदी केयर सक्सेस कार्निवल में आप सबका स्वागत करती हूँ, जहाँ सक्सेस स्टोरीज अनलिमिटेड बनती ही चली जा रही हैं। हम किसी भी एक सेशन में मोदी केयर की इन अनलिमिटेड सक्सेस स्टोरीज को कवर नहीं कर सकते, पर आज बस हम ऐसा ही कर रहे हैं जैसे कि कोई समुंदर है, उसमें से निकल करके लाखों मोती बाहर बीच पर पड़े हैं और उसमें से सिर्फ दो मुट्ठी मोती उसने उठाए हैं और ऐसे बिखेर दिए हैं इस दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो मोदी केयर क्या कर सकता है। और ये जो सेशन है इसमें जो कैटेगरी हम कवर कर रहे हैं वो है जीरो से हीरो की स्टोरी, वो है शून्य से शिखर तक की स्टोरी, वो है फर्श से अर्श तक जाने की स्टोरी। उन लोगों की कहानियां जो मोदी केयर ज्वाइन करने से पहले सचमुच जिंदगी में अपने आप को जीरो ही मानते थे। हालांकि जीरो कोई नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई काबिलियत देके भगवान ने भेजा होता है, पर वक्त बड़ा बलवान होता है। वक्त के कारण या हालातों के कारण वो उस समय कहीं नहीं थे, कुछ नहीं थे, किसी तरह अपनी जिंदगी की आजीविका चला रहे थे। पर ये वो लोग हैं जो ये मानते थे कि पैदा गरीब होना पाप नहीं है, पर मरना गरीब बहुत बड़ा पाप है। और जब ये लोग गरीब मरना नहीं चाहते थे, कुछ देख रहे थे, कोई अपॉर्चुनिटीज देख रहे थे, और ऐसे में ये एक पार्ट टाइम बिना किसी इन्वेस्टमेंट की जिसमें सपोर्ट मिलता है घर से होता है, एक ऐसा नो रिस्क बिजनेस जब इन लोगों को मोदी केयर मिला, इन लोगों ने मोदी को दिल लगा करके किया और आज सफलता की महानतम कहानियों में से एक हैं। तो ऐसी ही कुछ हीरे मोती मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूं और सबसे पहले बुला रही हूं एक टेलर मास्टर को जो टेलरिंग का काम करते थे, अपनी मजबूरियों अपने समझौतों की जिंदगी में जिया करते थे, उनको मोदी केयर की ताकत समझ में आई और आज वो बन चुके हैं हम सबके दिल की धड़कन, खूब तेजी से तरक्की कर रहे हैं। हम जोरदार तालियों के साथ वीरू टेलर, जिनके जिनको प्यार से हम सब बोलते हैं, वीरेंद्र टेलर जी को आप सबके सामने स्क्रीन पर पेश करना चाहते हैं। वीरू भाई, ओवर टू यू। थैंक यू सो वेरी मच मैम, थैंक यू सो वेरी मच। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग फ्रेंड्स, एंड थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू समीर सर। दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार टेलर है, सीकर राजस्थान से हूँ। अब 5 साल पहले मोदी केयर का स्टार्टअप मेरी जिंदगी में हुआ। इससे पहले की बात करूँ तो दोस्तों, मैं अपने एजुकेशन के बारे में बता दूँ, अब मैं 8वीं क्लास पास हूँ। क्यों 8वीं क्लास पास हूँ? क्योंकि 1 साल का था तब से पापा नहीं थे और जिंदगी कैसी होती है वो आप जानते हैं। दोस्तों, 8वीं क्लास पास हूँ, सिलाई करने लगा, सिलाई करते चला गया। 38 साल जिंदगी के सिलाई किए। आज के बात करो, करीब 7 साल पहले मैंने एक घर बनाया, 40 लाख का कर्जा हो गया था। और 2015-16 में हालत ये हुई थी कि एक वक्त आया जब मेरा बिजनेस बिल्कुल डल हुआ और 1250 रुपए दूध चुकाने का पैसा नहीं था। उस समय में मोदी के मेरी लाइफ में आया और मोदी के जब लाइफ में आया, लोगों ने बोला ये नहीं चल सकता। और खासकर शेखावाटी राजस्थान में, जहां ना कोई डीपी थी ना कोई लोग जानते थे, बोले ये नहीं चल सकता। मैंने सुरेखा मैम का चेक देख लिया था कि 70 लाख रुपए कोई लेडी कमाती है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। दोस्तों, मैंने इस बिजनेस को सीखा, समझा, किया। पहला चेक 105 रुपए का आया था और आज आपके सामने हूँ, महीने का करीब 7.5 लाख रुपए कमाता हूँ, 7.5 लाख रुपए कमाता हूँ। दोस्तों, एक सपना लिया था, मैं भी सोचता कार कभी चलाऊंगा। पहली कार मैंने मोदी के से 9 महीने मिली और आज टीम में करीब करीब 50 से प्लस कारें हैं। 5 साल का सफर मेरा हुआ और केवल मैं पैसा कमा रहा हूँ, ये बड़ी बात नहीं है। आज टीम में हजारों लोग हैं, उनमें से कई सारे लोग महीने का 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपए तक मेरी टीम में लेडीज, 7.5 लाख रुपए तक मेरी टीम में लेडीज कमाती है। दोस्तों, ये सब अपॉर्चुनिटी हमें दी मिस्टर समीर मोदी जी ने। आज कहता हूँ सबसे, लोग कहते हैं होता नहीं है, होता कुछ भी नहीं है, करना पड़ता है। दोस्तों, हमने किया और इन सबका क्रेडिट जाता है हमारे सारे ग्रेट अप्लायंस को, पूरी एंटायर टीम को, मोदी केयर मैनेजमेंट को। और एक बात कहता हूँ, मैं बहुत लकी हूँ सुरेखा मैम कि आज आपने फिर हमें यहाँ लाके खड़ा कर दिया। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स। और सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ,
गरीबी में जी, गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में जिंदा रहना और गरीबी में मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर करना चाहते हो ना जिंदगी को अपने सपनों के लिए साकार करना चाहते हो, आइए मोदीगिर में और करिए मोदीगिर को। आज वक्त इतना ही मिला है, सपना 1 करोड़ का है, 1 करोड़ का घर ले चुका हूँ, अभी बहुत जल्दी मर्सिडीज सी क्लास लेने जा रहा हूँ और 2021 में 2,51,00,000 रुपया कमाने जा रहा हूं। इस चीज का झील है और कर दिखाएंगे, क्योंकि सुरेखा मैम साथ है, पूरी टीम साथ में, सारे ग्रेट मेंटर साथ में, समीर सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, सो वेरी मच, माय गॉड, बिल्कुल सही कह दिया, करना तो पड़ेगा, रातों रात नहीं होगा। पर एक बात बताइए ना, वो जिंदगी भर वो टेलर की जो वो एक मशीन, सिलाई मशीन पे पैर चलाना भी तो आसान नहीं होता ना, जिंदगी भर गरीब रहना भी तो आसान नहीं होता ना, समझौते करना भी तो आसान नहीं होता ना, तो आसान भले कुछ नहीं होता है, पर जिन सबसे आसान तो डेफिनेटली मोदी केयर है ही, जो वीरू भाई कर गुजरे। जोरदार तालियां हम वीरू भाई के लिए बजाना चाहते हैं। और अपनी अगली लीडर जो कि दूध का बिजनेस करती थी, जिनके पास 13 गायें थी, उन गायों से दूध निकाला जाता था, घर घर बांटा जाता था, और बस उन्होंने फैसला कर लिया कि वो नेटवर्क मार्केटिंग करेंगी, तो न केवल आज मर्सिडीज चलाती हैं, बहुत सफलता पा चुकी हैं। मैं बुलाना चाह रही हूँ सम्मान विजय लक्ष्मी गंगाधर रेड्डी जी को स्क्रीन पे। विजय लक्ष्मी जी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच मैडम, प्रणाम मैडम, नमस्कार। नमस्कार। मेरे को कितना सक्सेस बनाने के लिए मेन पार्ट है सुरेखा मैडम का, उनका प्यार बहुत है इसलिए मैं सक्सेसफुल बनाया। मेरा पढ़ाई ओनली 8th स्टैंडर्ड, दूध का बिजनेस हस्बैंड में बहुत मुश्किल था, बहुत लिमिटेशन थी, ओल्ड घर था, ओल्ड स्कूटर था मेरे पास, सो 8th स्टैंडर्ड वाला करने के लिए बहुत लोग ना मजाक बना रहे, क्या करते है वो लाइफ में जीने के लिए बहुत मुश्किल। फिर भगवान की तरह मेरे को मोदी केयर आया, मोदी केयर का ट्रेनिंग्स मीटिंग्स बहुत प्यार से किया, दिल से किया, इसलिए मेरे को मोदी केयर से लैक्स टुगेदर इनकम, 4 गाड़ी वरना निशान सन्नी मर्सिडीज बेंच, अभी 8th स्टैंडर्ड लेडी, 1,000 किलोमीटर आल्सो कॉन्फिडेंसली, बहुत दिल से वो कार चलते थे मैं। मोदी दोनों बेटी का इंजीनियरिंग कंप्लीट करके फिर शादी भी कंप्लीट, मोदी केयर से 22 फॉरेन ट्रिप घूम के आया मेरा पूरा फैमिली, बहुत मान सम्मान सब कुछ आया। मेरे को सिर्फ तेलुगु एक लैंग्वेज आती थी, अभी कन्नडा आपको साथ हिंदी भी कोशिश कर रहा है। सो थैंक यू वेरी मच सुरेखा मैडम, मेरा ड्रीम है नेक्स्ट हेलीकॉप्टर लेना ऑल ओवर वर्ल्ड, मेरा वो हेलीकॉप्टर लेके सेमिनार करने के लिए जाना, फिर आपके साथ सारा इंडिया रिचेस्ट कंट्री करने के लिए साथ देना। बहुत लोग टुडे सक्सेसफुल हो गया, थैंक यू वेरी मच, आपका कारण समीर मोदी सर अपॉर्चुनिटी कारण, थैंक यू मैडम, ऑल द बेस्ट। एक दूध का बिजनेस करने वाली सिंपल सी लेडी अगर ठान ले, मुझे याद है जब हम पहली बार मिले थे आप मुझसे बोल के गए थे हमें भी अपना हेलीकॉप्टर खरीदना है, वो हेलीकॉप्टर वर्ड आप बोल करके गए थे और अपने कमिटमेंट पे आप आज भी उसी पर टिके हुए हो और इसीलिए दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हो। मैंने 5,000 लोगों को आपकी बिटिया की शादी में खाना खाते देखा है, वो सो सरप्राइज की एक दूध का छोटा सा बिजनेस करने वाली लेडी ने मोदी केयर से ये ताकत बना ली। ड्रोन घूम रहे थे वो शादियों में, क्या लेविश शादी आपने करी थी, हर सपना आपने अपनी स्टाइल से पूरा किया है जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी केयर, और ये मोदी केयर में ही संभव है। फैंटास्टिक फ्रेंड्स, हम आपके लिए जोरदार तालियां बजाना चाहेंगे विजय लक्ष्मी जी। और हमारे अगले अचीवर एक ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत गरीब थे, रोड साइड पर पानी के पाउच बेचा करते थे, और उनको मोदी केयर मिल गया तो कैसे बदल गई उनकी जिंदगी, आइए उन्हीं से सुनते हैं। हम ससम्मान तालियों के साथ बुलाना चाह रहे हैं विजय अग्रवाल जी को। विजय जी, ओवर टू यू। नमस्कार मैम, गुड मोदी के मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस लेवल का समझा, और अल्पेश सर का शुक्रिया था जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, फाल्गुनी मैम का शुक्रिया था। मैम, इस बिजनेस में आने से पहले, मेरा नाम विजय अग्रवाल है, मैं बेसिकली बड़ौदा में रहता हूँ, और इस बिजनेस में आने से पहले ऐसा कोई काम नहीं था जो मैंने नहीं किया। पानी के पाउच बेचना, घर घर न्यूज पेपर डालना, मेरे पापा सब्जी की लारी लगाया करते थे, 10x10 के घर में हम रहा करते थे, कोई बड़ी सोच नहीं थी, कभी परिवार में ये संस्कार नहीं मिले कि आप बड़ा बनिए, बड़ा पैसा कमाइए, और यदि कोई बड़ा सोच भी लेता था हमारे परिवार में तो वो श्राप के बराबर था, क्या रहे तूने ये क्या सोच लिया, राइट। और 9 जनवरी 2016 को मेरे एक मित्र ने मुझे ये बिजनेस के बारे में बताया, और 9 जनवरी 2016
बड़ौदा को पहली बार इस बिजनेस को देखा, 167 रुपए के चेक से आज महीने का 4 लाख रुपए की इनकम है। जो बंदा 10वीं क्लास पढ़ा है जिसको कोई 7000 की जॉब नहीं देगा, वो व्यक्ति आज इस बिजनेस के माध्यम से क्राउन डायमंड डायरेक्टर है। आज करीब करीब मोदी केयर के माध्यम से 2 गाड़ी ले चुका हूँ, 8 से ज्यादा फॉरेन टूर है, 4 लाख से ज्यादा की इनकम ले चुका हूँ, 1.25 करोड़ से ज्यादा रुपया कमा चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात है, माँ बाप की नजरों में और समाज की नजरों में जो इज्जत पाना चाहता था, राइट, वो गरीबी का टैग, जो एक करोड़पति का टैग लगा था, उसे करोड़पति के टैग में बदलने के लिए जो मोदी केयर ने साथ दिया है, राइट, उसका उसका जो ऋण है, कहते हैं कि माँ बाप का ऋण आप चमड़ी के जूते बनाकर भी नहीं उतार सकते, उसी तरीके से मोदी केयर का ऋण उतारना असंभव है। और मैं यही कहूंगा कि मैम, जिसने भी पूरी आत्मा, पूरी शिद्दत और पूरी मेहनत के साथ 5 साल अगर मोदी केयर को दे दिए बिना किसी सोच, बिना किसी समझ के, तो उसको नहीं, उसके खानदान में किसी को पैसे के आगे, पैसे के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना जबरदस्त बिजनेस है। तो थैंक यू समीर मोदी सर जिन्होंने, और मैं ये कहता हूँ कि अगर मोदी केयर धर्म है तो समीर मोदी जी देवता है, राइट, और इसी तरीके से इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। मैम थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच, फैंटास्टिक, अमेजिंग। एक बात बताना चाहती हूँ, गरीब होना पाप नहीं है, गरीब सोच होना पाप है, अमीर नहीं बनने की इच्छा रखना पाप है। और उससे भी बड़ी बात, जब ये गरीबी होती है ना, तो हमारे दिमाग पे एक ढक्कन लग जाता है, एक अपर लिमिट हमारी सेट हो जाती है कि बस हमारी तो किस्मत यही है, हमारे को तो ऐसे ही रहना होगा, यही हमारी किस्मत में लिखा है। जो उस लेवल पे उतना गरीब होकर के उस ऊपर की लिमिट को, उस ऊपर की अपनी छत को धक्का लगा करके आगे बढ़ जाए, वही शहनशाह होता है। और वही विजय जी आपने किया है, आपने अपनी सोच को बदला है, और सोच बदलने के बाद, खुद को बदलने के बाद सारी दुनिया बदल जाती है, यही समीर जी कहते हैं। हम जोरदार तालियां आपकी सोच के कारण आपके लिए बजाना चाहेंगे। और हमारे अगले लीडर जो कि एक किसान हैं, और किसानों की जिंदगी आपको पता है कैसे होती है, जब सीजन आता है तो वो राजा होते हैं, और जब सीजन चला जाता है तो वो रंग हो जाते हैं। वहां से कहां तक, यहां तक सफलता की इस ऊंचाइयों तक वो कैसे पहुंचे, ये बताने के लिए हम खुद बुलाना चाहते हैं सर सम्मान कुलदीप डागर जी को। कुलदीप जी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। मेरा नाम कुलदीप है और मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आज से 5 साल पहले मोदी केयर की शुरुआत की थी मैम। किसान हूँ, एजुकेशन कोई नहीं है, 10वीं की है वो भी ओपन से है, ना डिग्री है ना डिप्लोमा। सपने बहुत बड़े थे लेकिन उन्हें पूरा करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और उसी समय मेरे जीवन में भगवान बन के आए अमित जी, गौरव जी के प्यार और आपके आशीर्वाद से आज मोदी केयर से सक्सेस है। अभी 2 गाड़ियां मैं मोदी केयर से ले चुका हूँ, 2 बाइक मैंने मोदी केयर से लिए हैं। अभी पिछले 21 नवंबर को मैंने यहाँ से वेन्यू गाड़ी न्यू अभी 11.5 लाख की ली है मैम आपके आशीर्वाद से। और बहुत अच्छा लग रहा है आज मोदी केयर करके। जैसा अभी विजय जी कह रहे थे, अगर जीवन में कुछ करना है तो मोदी केयर का ऋण तो हम नहीं उतार सकते। जहाँ 2 रुपए की सोच नहीं थी, आज लाखों रुपए की सोच में हम तब्दील हो चुके हैं, और ये सब मोदी केयर की देन है। तो थैंक यू ऑल मोदी केयर एंड फैंटास्टिक, थैंक यू मैम, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आप हमारे देश के किसानों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा लेसन है। आप क्यों परेशान होता है किसान? क्योंकि सीजन का पता नहीं, सीजनल इनकम होती है, कभी बारिश नहीं हुई, कभी अकाल पड़ गया, कभी कुछ। इतनी अनसर्टेनिटी एक किसान के जीवन में होती है, और जब वो पार्ट टाइम में साइड बाय साइड मोदी केयर कर लेता है तो वो सारी असुरक्षा साइड हो जाती है, एक स्थायी इनकम घर में आने लगती है, जिंदगी में सुख समृद्धि सब कुछ आता चला जाता है। जो भी किसान आपकी स्टोरी सुन ले, बल्कि मैं कहूंगी अगर देश इन स्टोरी को प्रमोट करे तो हमारे देश में जो किसान आत्महत्या करते हैं या जो परेशान होते हैं, सब कुछ बंद हो जाएगा। आपकी सोच के लिए हम आपके लिए ताली बजाना चाहेंगे कुलदीप जी। बहुत 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 धन्यवाद आपका इस स्टोरी को क्रिएट करने के लिए। और बुलाना चाहेंगे हमारे एक अगले अचीवर सबीर अली जी को। सबीर जी जो कि एक स्टूडेंट, एक मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट रहे, कहने लगे मैडम एक होंडा एक मोटर बाइक खरीदनी है मुझे, फिर कहने लगे मुझे होंडा सेंट्रो खरीदनी है, फिर कहने लगे मुझे उससे बड़ी गाड़ी खरीदनी है। बस ये मोटरसाइकिल, कार और बड़ी कार के सपने के साथ साथ चलते हुए ये आज कहाँ पहुंचे, ये खुद बताने के लिए सम्मान में सबीर अली जी को स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगी। सबीर जी। यस मैम, सुनाई दे रहा है? हाँ जी बिल्कुल सुनाई दे रहा है। यस मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आपको जितने भी थैंक्स करें छोटा नहीं करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आज इतनी अच्छी, इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मोदी केयर आजादी मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम शेख साबिर अली है, मोदी केयर की प्राउड कंसल्टेंट। और दोस्तों बिफोर मोदी केयर आई एम ए जीरो, और आज की डेट में
मेरी गुरु सारी लोगों की तरफ से, सारे लोगों को हेल्प की तरफ से आज के दिन में हीरो। फिर भी दोस्तों कंप्यूटर के सिस्टम में है क्राउन, बट मेरे दिमाग में है हर वक्त, मैं अभी स्टार्ट किया हूं दोस्तों। नाम है शेख साबिर अली, मोदी केयर क्राउन डायमंड डायरेक्टर, मोदी केयर इंडिया कोलकाता से बिलोंग करता हूं दोस्तों। बिफोर मोदी केयर आई एम ए सिंपल ऑर्डिनरी स्टूडेंट दोस्तों। मैंने बहुत छोटा उम्र में मेरे पिताजी को इस दुनिया से जाते हुए देखे दोस्तों। घर का एकलौता एकदम छोटा लड़का हूँ, पांच भाई है, सबसे छोटा लड़का हूँ दोस्तों। माता की भी बहुत बड़ा डीम था, पिता की भी बहुत बड़ा डीम था, लेकिन दोस्तों मेरा छोटा उम्र से जब स्कूल में था मैंने ड्रीम स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से मतलब क्या बोलो दोस्तों, सपना मतलब एपीजे अब्दुल कलाम आजाद सर का जो सपना, ना देखना पाप है ना, ये मैंने शुरू से मेरा लाइफ से स्टार्ट किया था दोस्तों। मैंने शुरू से डिसाइड किया था दोस्तों मैं खुद सेल नहीं होऊंगा दोस्तों। कॉलेज में मैं मेरा दोस्त लोगों से शेयर करता था मैं कभी भी जिंदगी में नौकरी नहीं करूंगा, कभी भी खुद को बेचूंगा नहीं दोस्तों, क्योंकि वही आप लोग जानते हैं 8 से 5 बजे ड्यूटी, वही लिमिटेड तनख्वाह, उससे चलना है। 1 तारीख को राजा, मेरा सर बहुत बार मेरे को बोलते थे 1 तारीख को राजा, 10 तारीख को भिखारी और अगले 25 तारीख के बाद नेक्स्ट तनख्वाह के लिए इंतजार करना पड़ता दोस्तों। इसीलिए मैंने जॉब कभी भी पसंद नहीं किया था, और बिजनेस मैंने फैमिली में देखा था, बहुत सारे लाखों करोड़ रुपया लगाना पड़ता है, रिस्क पड़ता है, टेंशन पड़ता है, स्टाफ रखना पड़ता है, स्टॉक रखना पड़ता है, बहुत सारे हेडेक रहता है दोस्तों। अपॉर्चुनिटी के मेरा तलाश था दोस्तों, मैंने काफी दिन से स्टडी करके अपॉर्चुनिटी का तलाश था, और जैसे ही मेरा एक नेबर एंड फ्रेंड मेरे को ये मोदी केयर को अपॉर्चुनिटी दिखाया दोस्तों, मैंने देखा यही अपॉर्चुनिटी के लिए मैंने तलाश था दोस्तों, और देखा एक अम्ब्रेला के नीचे सारे चीज है। ऊपर वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऊपर वाला ने एक ही अम्ब्रेला के नीचे सारे चीज दे दिया जो मेरे को चाहिए था दोस्तों। मैंने देखा था फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, रिकॉग्निशन, फॉरेन ट्रिप, लाइफस्टाइल, सारे चीज यहाँ पे है दोस्तों। मैंने तुरंत डिसीजन ले लिया, 1 सेकंड भी देरी नहीं किया, लेट नहीं किया था दोस्तों। स्ट्रॉन्गली डिसीजन लेके मोदी केयर को स्टार्ट किया था। 359 रुपीज मेरे का पहला चेक आया था, 359 रुपीज चेक आया था, और आज की डेट में 2 लाख से ज्यादा रुपया अर्न कर रहा हूँ दोस्तों। ये मेरा लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे से और इम्पोर्टेंट ये है, आज के डेट में मैं कितना कमा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है तो, लेकिन मेरा कारण आज बहुत सारे लोग हजार रुपया कमा रहे हैं दोस्तों मोदी केयर से। जी, मोदी केयर से 2 टू व्हीलर 2 फोर व्हीलर आ गया दोस्तों, 1 पासपोर्ट खत्म हो गया, दूसरा भी पासपोर्ट खत्म होने जा रहा है दोस्तों। मैं जस्ट यही बोलूंगा, अगला मेरा जस्ट ड्रीम है, अगला जन्मदिन में मैं अपने खुद को रेड कलर जगुआर दे रहा हूँ, और 51 कार अचीवर अगला साल मेरा टीम में आ रहा है, 51 फॉरेन टीप अचीवर आ रहा है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू मैडम, थैंक यू ऑल ऑफलाइन, थैंक यू माय ऑल डाउनलाइन, थैंक यू, लव यू जिंदगी, लव यू। Fantastic. We know, बहुत एक्साइटमेंट है, मुझे पता है, बहुत विश्वास है, और मुझे पता है अगला साल हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। जो सफलता की अभी चरम पर हम पहुंच रहे हैं, जो अभी चरम लग रहा है, वो जैसे ही नया साल खुलेगा, नए सपने, नए इरादे, और जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड से मोदी की और सफलता दिला रहा है, हम सबके इरादे बुलंद है, और वो कुछ मिनटों में 90 सेकंड्स में बताना सचमुच मुश्किल है। पर जोरदार तालियां हम सबीर अली जी के लिए बजाते हुए हमारे नेक्स्ट अचीवर एक ऐसे लीडर को बुलाएंगे जो कूलर पंखे रिपेयर करते थे, जिनकी दुकान में कोई टेबल भी नहीं थी, पर बस उन्होंने इस बिजनेस की ताकत को समझ लिया, तो आज एक सफलतम कहानियों में से एक है। हम ससम्मान स्क्रीन पर बुला रहे हैं जीत राम जी को, जोरदार तालियों के साथ। जीत राम जी, ओवर टू यू। गुड मोदी के मॉर्निंग मैम। गुड मोदी के मॉर्निंग। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, अनम्यूट कीजिए। मैं तो हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। यस, सलाम करता हूँ सर टीम को, जो सुबह से आज मीटिंग देखने का इतना अच्छा मौका मिला है कि आज के बराबर इतना मजा कभी लाइफ में नहीं लिया। और सबसे अच्छी बात यह कि मैम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि 1 साल हो चुका है, 1 साल पहले मैं आपसे घर पे मिला था, वो दिन और आज का दिन मुझे दोबारा याद आ रहा है कि मैम के दर्शन हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम जीतराम जी, जीतू से जीतराम जी बनाने वाले हमारे मिस्टर समीर मोदी जी और हमारे अमित जी गौरव जी का धन्यवाद तहे दिल से, कि जब कभी दुकान पर बैठता था तो सर ने बोला था जीतराम जी जब खोलोगे, जब कमाओगे, जब बनाओ करोगे, अपनी जिंदगी में पैसिव इनकम कमाने के लिए इस मोदी केयर में आइए और हम आपका साथ देंगे। इस जिंदगी में आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने ये कहा कि मैं आपका साथ दूंगा। मोदी केयर करने से पहले मैं एक इलेक्ट्रिशियन था, कूलर पंखे बनाता था, और हर रोज ये सोचता था आज का दिन अच्छा गुजर जाए, आज का दिन यानी कि हर रोज जिंदगी के दिन काटता था। थैंक्स समीर मोदी जी का, थैंक्स अमित जी, गौरव जी, और साथ में हमारे कुलदीप सर जी का, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और मैंने इस रास्ते को ना बिल्कुल दिल से कबूल किया और मैंने इस पे चल के देखा, बहुत बढ़िया। 122 रुपए का चेक की शुरुआत हुई,
वो भी 6 महीने में। घर वाले बड़े नाराज थे, फिर भी बिजनेस करते रहे, क्योंकि अमित जी गौरव जी पुश करते रहे कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। और आपके साथ जब करना शुरू हुआ बिजनेस, तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि कभी मैंने देखा नहीं कि मोबाइल कैसे खरीदा जाता, सपने कैसे देखे जाते हैं। और अच्छी बात तो मुझे जो याद आ रही है ना, बार बार जो मैं पिछली बार आपसे मिलके आया था घर पे, आपने कहा था कि ये बातें लिख लीजिए और तब तक ये देखना इसे जब तक आपके पूरे ना हो जाए। तो मैंने उसी टाइम बोला था घर आके अपनी वाइफ से कि मैं अब की दीपावली पे आपको ना घर गिफ्ट करूंगा। तो मैम आपका मोदी केयर से एक कार अचीव ली और अपनी टीम में 11 कार दे चुका हूं मैम, और 25 लाख का घर बना चुका हूं। ये मोदी केयर की ताकत है, 1.5 लाख से प्लस इनकम हर महीने आती है, 10+2-4 हूं। फैंटास्टिक जीत राम जी, मुझे याद है जब आपने पहली बार गाड़ी ली थी, गाड़ी शोरूम के बाहर खड़ी थी, आपके जो अपलाइन गाड़ी को घर ले जाने के लिए आने वाले थे वो किसी कारण से आ नहीं पाए, और लोग आपसे पूछ रहे थे ये गाड़ी बाहर क्यों खड़ी है, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो। तो आपने हाथ ऐसे असहाय होके कहा था क्या करूं, गाड़ी तो मजबूरी में लेनी पड़ी, मोदी केयर तो जबरदस्ती गाड़ी चलानी नहीं भी आए तो भी गाड़ी दे देता है। तो जीत राम जी, आपके नाम में जीत और राम दोनों है, तो जीत तो आपकी बस गारंटेड है, ऐसी आगे बढ़ते चले जाइए। आइए दोस्तों चलते हैं एक और सफलता की, जीरो टू हीरो की एक बहुत ही अनोखी हार्ट टचिंग स्टोरी की तरफ। हम बात कर रहे हैं हमारे कलकत्ता से लालटू मित्रा जी की, जोरदार तालियों के साथ सर सम्मान स्क्रीन पर बुलाना चाहेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। हेलो, मैंने सुनाई दे रहा है? मेरा बिल्कुल सुनाई दे रहा है। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच मैम, गुड मोदी का राजा दी मॉर्निंग। मेरा नाम लालटू मित्रा है और हम कोलकाता से बिलोंग करते हैं, और मेरा जन्म हुआ था एक गरीब परिवार में। मेरा पिताजी रिक्शा चलाते थे और मेरी माँ लोगों को घर में बर्तन मांजने का काम करते थे उस टाइम। दोस्तों फैमिली का परिस्थिति बहुत नाजुक था, मेरा एक छोटा सा बहन था, उसको सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं कर पाया, बट वो उसका डेथ हो गया। दोस्तों जिस उम्र में लोगों को खेलना चाहिए, बच्चे को खेलना चाहिए, उसी उम्र में हम काम करते थे और साइड बाय साइड पढ़ाई करते थे। दोस्तों फैमिली में परिस्थिति इतना खराब था, सुबह में क्या खाएंगे, रात को क्या खाएंगे, दिन में क्या खाएंगे, वो हमें भी पता नहीं था। परिस्थिति इतना, फाइनेंशियली कंडीशन इतना खराब था। दोस्तों ऐसे संघर्ष करते गए, काम करते गए, कॉलेज में गए, पढ़ रहे थे, और एक दोस्त के साथ मेरा मुलाकात हुआ और उन्होंने मुझे मोदी केयर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। दोस्तों मोदी केयर के बारे में सुना था और सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा ये बिजनेस मुझे करना है, लेकिन घर वालों ने बहुत माना किया, ये कर नहीं सकते हो, चल नहीं सकते, लेकिन मैंने शुरू किया, स्टार्टिंग किया था मोदी केयर। दोस्तों मोदी केयर करते करते 137 रुपया का चेक मुझे मिला था और हम बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन घर वाले बहुत नाराज था, ये हो नहीं सकता, ये बिजनेस चल नहीं सकते। लेकिन दोस्तों ऐसे कंटिन्यू काम करते गए, लालटू आपके पास 20 सेकंड और है। ऐसे काम हम करते गए और करते 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 मुझे पहली फॉरेन ट्रिप मिला है दोस्तों, सिंगापुर जाने का मौका मिला है, उसके बाद मलेशिया, और 12 कंट्री हम ऑलरेडी घूम चुके हैं, अभी 10.5 लाख का कार है। और दोस्तों अभी मेरा एक नया ड्रीम है, हम रेंज रोवर कार लेंगे, 45,000 स्क्वायर फीट का घर लेंगे। और दोस्तों कुछ दिन पहले मैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए उसी स्कूल में हम गए थे जिस स्कूल में वंस अपॉन ए टाइम मैंने काम किया था। दोस्तों ये मोदी केयर का ताकत है। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना बड़ा मौका दिया, सपोर्ट किया, थैंक यू। मुझे पता है जब पहली बार हमने आपके गले में वो पीली मालाओं का वो पूरा गुच्छा डाल दिया था, तो आपके पापा आकर के रो रहे थे कि मैम जिंदगी भर मैं रिक्शा चलाता रहा, कभी मेरी गले में किसी ने एक माला नहीं पहनाई, आज मेरे बेटे और मेरे गले में आप लोगों ने इतनी सारी मालाएं डाली है, ये मोदी केयर की ताकत है। और जिस घर में आपकी, जिस स्कूल में आपकी माँ और आप काम किया करते थे, झाड़ू पोछा लगाया करते थे, आज उस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना ये बहुत बड़ी ताकत है, और ये ताकत आपको मोदी केयर ने दी है। जितनी शुक्रिया मोदी केयर और जितना शुक्रिया आपके डेडिकेशन के लिए किया जाए वो कम है। आइए फ्रेंड्स, हम हमारे अगले अचीवर, अगेन एक फर्श से अर्श तक पहुंचे हुए हीरो दलजीत सिंह जी को बुलाना चाहेंगे, दलजिंदर सिंह जी को बुलाना चाहेंगे। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाम मेरा दलजिंदर सिंह है जी, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से बिलोंग करता हूँ, और प्रोफेशन की बात करूं तो मैं फर्नीचर का काम करता था, डेकोरेशन कारपेंटर हूं, लोगों के घरों में काम करते थे। आज से 3.25 साल पहले मोदी केयर बिजनेस मेरी लाइफ में आया। जब ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया तो मेरे पास एक टूटी सी बाइक थी जिस पे मैंने बिल्ड करना स्टार्ट किया,
और आज इस बिजनेस में 3 साल के अंदर अंदर पहली गाड़ी मैंने 8 लाख रुपए की टाटा टैगोर अचीव की, सेकंड मैं 13 लाख रुपए की अभी वरना ड्राइव कर रहा हूँ, पूरे 1 साल बाद मैंने लिए यहाँ से, और चंडीगढ़ जैसी ब्यूटीफुल सिटी में शिफ्ट हो चुके हैं विद फैमिली, अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, लाइफ सेट हो चुकी है तकरीबन, और दुबई घूम के आ चुके हैं फ्री में, हमारा एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट जो टूर था वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, बहुत मजा आया वहां पे। और सिर्फ मुझे गाड़ी नहीं मिली, मेरी टीम में 9 लोगों के घरों में गाड़ियां आ चुकी हैं, और एक ही दिन में मेरी जम्मू टीम में 3 क्रेटा बुक हुई है। तो दोस्तों ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं फर्नीचर कारपेंटर होके 7वीं पास होके इस बिजनेस को एक छोटे से गाँव से लेकर के आज मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली अच्छी लाइफ एंजॉय कर रही है, तो हर कोई इस बिजनेस को कर सकता है। और मेरी ग्रेट अपलाइन गुरमेल सिंह संधु जी कभी एक चीज कहते हैं कि अगर कोई पूछता है कि मैं मोदी केयर कर सकता हूं, तो उनको यही बोलना कि वो इंसान मोदी केयर कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है और उसकी जो नब्ज है वो चल रही है, तो हर वो इंसान कर सकता है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, इंसान हर इंसान कर सकता है, परमात्मा ने हर इंसान को टाइम बराबर दिया है, किसी को कम ज्यादा नहीं दिया है, दिमाग भी बराबर दिया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आपको खुद पे विश्वास है तो आप जो चाहो कर सकते हो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया, खुद पे विश्वास है तो कर सकते हो, खुद पे विश्वास नहीं भी है ना तो भी आ जाओ तब भी कर सकते हो। मेरे को अपने पे बिल्कुल विश्वास नहीं था। मैं अगर मेरे बारे में बताऊं ना तो मैं मकराने गाँव की लड़की हूँ, मैं मकराना गाँव में रहती थी, हमारे घर में ना 11 कमरे थे और 11 के 11 किराएदार रहते थे, हमारे पास एक ही कमरा था, एक कमरा एक रसोई। हम लोग सुबह सुबह जंगल जाया करते थे, मेरा वो बैकग्राउंड है, मैं वहां से शुरू हुई। हम मेले में जाया करते तो बैलगाड़ी में जाया करते थे, कभी कभी पानी नहीं आता था तो कुएं से सिर में पानी रख करके लाया करते थे, ये मेरा बैकग्राउंड है। पर इसी एक जन्म में घर में जहाँ टॉयलेट नहीं हो, मैं वहां से लेकर के ये 6 बाथरूम वॉशरूम के घर में बैठ गई हूँ, हेलीपैड वाले घर में आ गई हूँ, मर्सिडीज तक उस बैलगाड़ी से अगर मैं पहुंच गई हूँ, तो एक ही बात ये जितनी भी अभी आप लोगों ने स्टोरी देखी वो एक ही बात साबित करती है, एक जन्म काफी है अपनी जिंदगी में कहीं से कहीं पहुंचने के लिए। ये हमारा फैसला है कि जहां पैदा हुए हैं वहीं रहना है, वहीं जीना है और वहीं मर जाना है, या ये भी हमारा ही फैसला है कि जिंदगी में कुछ करके, मोदी केयर करके और अपने पूरे खानदान के लिए जंप 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 लगाते हुए एक उनको अच्छी जिंदगी जीने का मौका देखते हुए खुशी खुशी रहना है। फ्रेंड्स, ये सक्सेस स्टोरीज अगर आपको छू पाई है तो दिल लगा के मोदी केयर ज्वाइन कीजिए, दिल लगा के काम कीजिए। जो आपका पास्ट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी क्या परिस्थिति है कोई मायने नहीं रखता, आपकी मन स्थिति क्या है वो मन स्थिति मायने रखेगी, और एक कदम आप चलेंगे तो 2 कदम हम चलेंगे। आप अपना साथ दे दीजिए, हम आपका साथ दे देंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट।